हमने लास्ट एग्जाम्पल नंबर 3 तक करा था, आज 4.14 का एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि मार्केट डिमांड फॉर अ गुड एट रुपीज 4 पर यूनिट इज 100 यूनिट। तो अगर प्राइस जो है 4 है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी है? 100 यूनिट्स है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस बढ़ गया, हमें नहीं पता कि कितना हुआ है पर वो बढ़ गया है, मार्केट डिमांड जो है वो कम हो गई है 75 यूनिट्स से। मार्केट डिमांड फॉल्स टू 75 रुपीज, 75 यूनिट्स। नई डिमांड क्या हो गई है? 75 यूनिट्स की हो गई है। ये बात समझ में आई? वो पूछ रहे कि नया प्राइस बताओ, फाइंड दिस इफ ईडी जो है वो आपको दे रखा है -1। ठीक है, तो ईडी का ये वाला फॉर्मूला लगाओ, उसमें ये वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। ईडी क्या होता है आपका? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू पी अपॉन, तो डेल्टा क्यू आपका हो गया 25 मिनट्स का, डेल्टा पी हमें पता नहीं है, हमें पी पता है 4 और हमें पुरानी क्वांटिटी पता है 100। सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा? डेल्टा पी की वैल्यू। ठीक है, अब जो है, अब मुझे ये बताओ, प्राइस इन्होंने क्या बोला, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? प्राइस इंक्रीज है, तो ये वन से हम इंक्रीज दिखाएंगे या डिक्रीज दिखाएंगे? 4+1, ये बात समझ में आई? तो आपको हमेशा ये देखना है कि क्वांटिटी बढ़ रही है घट रही है। पहले क्वांटिटी घट रही है मतलब प्राइस बड़ा होगा, अगर ये चीज घट रही है, ये चीज नेगेटिव है, तो ये चीज पॉजिटिव में गई होगी क्योंकि इनका उल्टा रिलेशन चलता है। प्राइस अगर बढ़ेगा तभी क्वांटिटी कम हो जाएगी, लोग डिमांड कम करेंगे क्योंकि चीज महंगी हो गई, तो हमें इसको महंगा दिखाना है तो इसका इंक्रीज करना होगा। समझ में आया? ठीक है, फिर हम आते हैं एग्जांपल नंबर 5 पे। When the price of a good X is ₹5, जब प्राइस जो है ₹5 है, कंज्यूमर 100 यूनिट लेता है, तो किस प्राइस पे 140 यूनिट्स लेगा? अगर ईडी जो है वो 2 है, ईडी जो है वो 2 है, तो डेल्टा क्यू आपका हो गया 40, डेल्टा पी आपका नहीं है, आपको 5 दे रखा है और क्यू आपको 100 दे रखा है। गिव मी द आंसर। डेल्टा पी क्या आ रहा है? डेल्टा पी और मुझे तो इसका आंसर कुछ और दिख रहा है। डेल्टा ₹520 था, 122 था, 40 पी इधर चला गया, ये वाला 2 इधर आ गया, ये वाला 2 भी तो है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ न्यू प्राइस क्या होना चाहिए? इसमें क्वांटिटी जो है 100 से 140 हो रही है, तो प्राइस बढ़ना चाहिए कि प्राइस घटना चाहिए? तो प्राइस क्या हो जाएगा?
डेल्टा भी है ना, तो न्यू पी वन क्या हो जाएगा आपका, 4। समझ में आया, लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, पेपर कैसा होगा लास्ट वाला जो स्कूल में हुआ? अच्छा जी, सही है। अच्छा कोई नहीं, अपने न्यूमेरिकल्स वगैरह पक्के करो, सब हो जाएगा आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंज्यूमर है, उसने 80 यूनिट्स खरीदे हैं, उसने 80 यूनिट्स खरीदे हैं एट द प्राइस, फिर तो अगला क्वेश्चन है, सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी इज -2 एट व्हाट प्राइस विल बी बाय 64 यूनिट, इसकी क्वांटिटी कम हो रही है कि बढ़ रही है, क्या होगा? ठीक है, प्राइस तो हमें बढ़ा, जो भी सॉल्व करके आपका आंसर आएगा उसको प्लस करना है, मतलब प्राइस को बढ़ाना है, नया प्राइस आपका बढ़ा हुआ आएगा, कम नहीं होगा। ये कर लोगे, सिक्स पे सर्कल कर लो, हो गया सिक्स पे, और होमवर्क एग्जांपल सिक्स, संदीप गर्ग 8415, सेम टाइप पे इसलिए नहीं करवा रही, फिर भी सॉल्व ना पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल सेवन, जब प्राइस जो है 10 है तो क्वांटिटी कितनी है, 40 है, प्राइस जो है 5 रुपए से गिर गया या 5 रुपए का हो गया, पहले मुझे ये बताओ। ₹5 प्राइस हो गया है, अच्छा ठीक है, तो पांच कितने रुपए से पैसे प्राइस गिर गया, 5 रुपीज से, तो नया प्राइस बन गया 5 रुपीज। आगे बढ़ू, ठीक है, हम एग्जाम्पल नंबर 8 पे आते हैं, 7 होमवर्क करना है संदीप गर्ग का आपको, सेम टाइप का क्वेश्चन है। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज यूनिटी, इसका मतलब है ईडी जो है 1 है, यूनिटी का मतलब होता है 1, ठीक है, सबसे पहले आपको ईडी दे रखा है 1, अ हाउसहोल्ड बायस 25 यूनिट एट 5 पर यूनिट, व्हेन द प्राइस इज 5 द क्वांटिटी इज 25, ठीक है, द प्राइस राइजेस बाय, नया प्राइस क्या होगा, नया प्राइस क्या होगा, ठीक है, तो आपसे नई क्वांटिटी पूछी गई है, कर लोगे? यूनिटी का मतलब होता है 1, उन्होंने बोला है ईडी यूनिटी है, ईडी मतलब 1 है, तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जांपल नंबर 8 आप होमवर्क कर लोगे। अब हम एग्जांपल नंबर 9 पे आते हैं, When price of a commodity falls by 2 per unit, इन्होंने बोल रखा है कि जब डेल्टा पी जो होता है 2 रुपीज पर यूनिट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इन्होंने स्टेटमेंट ये है, जब कोई दाम 2 रुपए से गिरता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 10 यूनिट से बढ़ जाती है, ये बात समझ में आई? ठीक हाँ, उन्होंने ना चेंज बता दिया कि अगर एक चीज इतने से कम हो रही है तो दूसरी चीज इतने से बढ़ रही है, उन्होंने ये तो बताया नहीं कि इस दाम पे इतनी क्वांटिटी ले रहे हैं और इस दाम पे इतनी क्वांटिटी लेंगे, नहीं, उन्होंने ये बोला कि
जब हमने प्राइस को इतना चेंज किया तो क्वांटिटी इतनी चेंज हो गई, तो इसका मतलब वो डेल्टा की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जरूर करके जाना अपने स्कूल के एग्जाम में, जब भी इलास्टिसिटी चैप्टर आपका आएगा इन एग्जाम्पल्स में से ही क्वेश्चन बनेगा। तो इनकी स्टेटमेंट है, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, जब क्या हो रहा है प्राइस में बदलाव आ रहा है, वो गिर रहा है कितने से, 2 रुपए से, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है 10 यूनिट से, तो ये दोनों तरफ चेंज दिखा रहे हैं। डेल्टा पी अगर 2 का है तो डेल्टा क्यू 10 का है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो -1 है। ठीक है, कैलकुलेट द क्वांटिटी डिमांडेड एट द प्राइस बिफोर चेंज विच वाज 10 पर यूनिट। वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल क्वांटिटी निकालो, Q0 निकालो और P0 आपको 10 दे रखा है। ये लाइन हमें कैसे पता चली वो Q0 मांग रहे हैं और Q1 नहीं मांग रहे हैं? उसकी लाइन है, कैलकुलेट इट्स क्वांटिटी डिमांडेड एट द प्राइस बिफोर चेंज, चेंज आने से पहले, ये वाला चेंज आने से पहले क्या होता है, Q0 और P0 होता है। ठीक है, और उसको उन्होंने पुराना वाला प्राइस 10 दे रखा है, आपको Q निकालना है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपके पास डेल्टा Q है, डेल्टा P है, आपके पास P और आपको Q निकालना है, कर लोगे? क्लियर होगा? इसमें लैंग्वेज के साथ खेला है। एग्जाम्पल नंबर 9 इज अबाउट लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेज क्लियर नहीं है आप इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर सकते। एग्जाम्पल नंबर 10। अभी तक हम जितने फॉर्मूला कर रहे हैं वो सब इस वाले सेकंड फॉर्मूला पे हैं, अभी हम इस वाले फॉर्मूला से पहुंचे ही नहीं है। द इनिशियल डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 80 यूनिट्स, द डिमांड फॉल बाय 4 यूनिट्स, द डिमांड फॉल्स बाय 4 यूनिट्स। ड्यू टू राइज इन प्राइस बाय 10, ड्यू टू राइज इन प्राइस बाय 10, प्राइस कुछ था वो 10 से और बढ़ गया, मतलब कि डेल्टा पी जो है वो आपका 10 है। आपको प्राइस इलास्टिसिटी दे रखी है 1.5, वही ईडी आपको 1.5 दे रखा है। ठीक है, वो आपसे P0 पूछ रहे हैं, प्राइस बिफोर चेंज पूछ रहे हैं। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला डिमांड फॉल बाय 4। ठीक है, तो डिमांड जो है वो 4 से गिर गई, तो कितने के फर्क आ गया, कितने यूनिट से फर्क आया, 4 यूनिट से फर्क आया, तो डेल्टा क्यू 4, और इसको 4 यूनिट से कम करो तो नया Q1 क्या बनता है, 76। ठीक है, चेंज कितने का है क्वांटिटी में, 4 का, और प्राइस में कितने का फर्क आया, तो आपके पास फिर वही डेल्टा क्यू डेल्टा पी है और आपका Q0 आ गया, अब आपको पी निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये आपके नंबर्स खत्म हो गए, अब हम फर्स्ट वाले फॉर्मूला पर मूव कर रहे हैं। हमारे क्वेश्चन का लेवल एक स्टेप और ऊपर हो जाएगा। इसकी टोटल काफी एग्जांपल्स हैं, सारे हम करेंगे जब तक ये खत्म नहीं होंगे, हमें करने हैं, और इसके आप सिर्फ एग्जांपल्स कर लो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। कोई एक एक करके हो जाएंगे, काफी सारे अभी हो भी गए। ठीक है, एग्जांपल नंबर 11, जब प्राइस 80% से गिरता है, प्राइस 80% से गिरता है,
क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 100% से पड़ जाती है। ठीक है, ईडी निकालना है। निकाल लोगे? 1.25। ये क्वेश्चन समझ में आया? कुछ भी नहीं था इसमें। आगे बढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 12। जब प्राइस डबल हो जाता है, जब प्राइस अगर प्राइस एक्स है और प्राइस 2x हो जाता है, ठीक है, जब प्राइस अगर 100 है तो नया प्राइस क्या हो जाता है? 200 हो जाता है। इट्स क्वांटिटी रिड्यूस टू हाफ। और अगर क्वांटिटी 100 है तो क्वांटिटी कितनी हो जाती है? प्राइस होता है, आप मान लोगे ओरिजिनल प्राइस 100 है, ओरिजिनल क्वांटिटी 100 है, तो जब प्राइस डबल हो जाता है तो क्वांटिटी हाफ हो जाती है। ये बात समझ में आई? तो ईडी निकालने को बोल रहे हैं। अब ईडी आप कैसे निकाल सकते हो? ऐसे निकाल सकते हो कि दोनों में कितने का फर्क है, 50 का फर्क है। 50 अपॉन 100, 50%, ये वाला आपका हो जाएगा 100 अपॉन 100 × 100, 100%। डेल्टा क्यू अपॉन में सॉरी 50 अपॉन 100, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.25। नहीं, 100 आएगा ना बेटा, दोनों में फर्क कितना है? डेल्टा लिखना है, डेल्टा क्यू, डेल्टा पी, डेल्टा पी तो 100 है। समझ में आया? क्लियर है? एग्जांपल 13 पे आते हैं। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? 5% fall in the price leads to 10% rise in the demand for X. ठीक है, X का अगर price 5% से fall होता है, ठीक है, तो उसकी quantity कितने से बढ़ जाती है? 10% से बढ़ जाती है। ठीक है, ये X का है, और Y में 20% राइज, ये दोनों का अलग अलग निकलेगा, इसलिए अलग अलग करवा रहे हैं। वायर का 20% राइज इन प्राइस उसकी डिमांड को 6% से गिरा देता है। दोनों की इलास्टिसिटी अलग अलग निकालनी है और बताना है किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। यहाँ पे आप ED of X निकालोगे, यहाँ पे ED of Y निकालोगे, ठीक है, तो डेल्टा परसेंटेज क्यू हो गया 10/5, 2%, और इसका हो गया 6/20, 0.3%। तो किसकी ज्यादा इलास्टिसिटी हुई? X की इलास्टिसिटी एनी डे ज्यादा है, ये 2% है, 0.3 है। ज्यादा इलास्टिक, इलास्टिक क्या होता है? रबड़, कितना खिंच रहा है, इलास्टिसिटी। ये 2% तक खिंचता है, इसमें 0.3 तक खिंचता है, तो किसकी इलास्टिसिटी? नहीं, इतना समझ में आया? ये साथ दो का भी पूछ सकता है और कंपैरिजन भी कर सकता है।
यूनिट तो क्वांटिटी है 20, प्राइस है 10. नहीं, आपको जो है प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है, तो ईडी निकालना है. ठीक है, अब आपके पास दो तरीके हैं, तीन चीजें नंबर में दे रखी है, क्या हम इसको नंबर में निकाल सकते हैं? पी वन हम निकाल सकते हैं, डेल्टा पी या पी1. अच्छा, तेज आ रही है. कहने का मतलब है पी में कितने परसेंट का चेंज है? 10% का चेंज है. या तो इसको भी परसेंट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, या इसको नंबर में कन्वर्ट कर लो, दोनों मर्जी आपकी. ठीक है, तो डेल्टा पी हो गया 10%. 10% ऑफ द ओरिजिनल, 10% ऑफ ओरिजिनल प्राइस. ओरिजिनल प्राइस क्या होता है? ओरिजिनल प्राइस क्या रखा है यहाँ पे? डेल्टा पी हो गया 1. तो आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हो डेल्टा की अप क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू पी अपॉन क्यू. हमारे पास चारों चीजें हैं. ओरिजिनल क्वांटिटी 20 थी, ओरिजिनल प्राइस ये था. समझ में आया? क्लियर है? ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो वो भी कर सकते हो, दोनों तरीके से. अगर मुझे कहो तो मैं ये भी करके दिखा दूंगी. करूं? परसेंटेज डेल्टा क्यू निकालने के लिए हम लेट्स सपोज सबको परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें सबसे पहले तो डेल्टा क्यू निकालना होगा. डेल्टा क्यू आपका होता है 22 माइनस 20, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100. ठीक है, 2 अपॉन Q0 तो आप ऐसे भी कर सकते हो. ईडी फिर हमने पहले फॉर्मूले में हो सकता है कुछ गड़बड़ करी हो. 10% अपॉन में 10%, ये भी 10 है, ये भी 10 है, बट क्या आंसर आ गया 1. ठीक है, इतना क्लियर है? एग्जांपल 15 पे आ जाओ. ये एग्जाम्पल 14 फिर से ट्राई करना है, सर्कल कर लो. हाँ, 1 4 14. एग्जाम्पल नंबर 15, कोशिश करती हूँ तुम्हारे 20 तक करवा दूँ, है हमारे पास टाइम, ठीक है, ताकि फिर हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए तो 17 क्वेश्चन रह जाए, जल्दी जल्दी हो जाए वो भी. द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस 8 इज 600 यूनिट्स. यूनिट्स अगर प्राइस 8 है तो क्वांटिटी इट्स प्राइस फॉल्स बाय 25%. राइजेस बाय 120, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 120. मुझे बताओ Q1 क्या आएगा? हाँ, प्राइस फॉल है,
नहीं, वो मत देखो, क्वांटिटी क्वांटिटी है 120, क्वांटिटी हैज रिजन बाय 20 यूनिट्स। तो आपकी क्वांटिटी 600 थी, नाउ क्वांटिटी हैज राइजन बाय 120 यूनिट्स। सो व्हाट इज द न्यू क्वांटिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, 20 कैसे आया? ये यूनिट्स इस क्वेश्चन के थ्रू मुझे लग रहा है कि दो चीजें आपको क्लियर होने की जरूरत है। अगर आपको क्वेश्चन में बाय लिखा है तो इसका मतलब है आपको डेल्टा पी या डेल्टा क्यू दे रखा है, ठीक है? कि क्वांटिटी राइज बाय, फॉल्स बाय, इसका मतलब है डेल्टा पी या डेल्टा क्यू दे रखा है। डेल्टा दे रखा है, आपको चेंज बता रहे हैं वो चेंज का अमाउंट। और अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है टू, द क्वांटिटी फेल डाउन 2 रुपीज, ठीक है? ये क्वांटिटी इतने यूनिट्स की होती है, तो अगर 2 लिखा हुआ है तो वो P1 या फिर Q1 लिखा है। तो सबसे पहले ये क्लैरिटी रखना कि क्वेश्चन में बाय लिखा है या 2 लिखा है। अगर 2 लिखा है तो नई क्वांटिटी या नए प्राइस की बात हो रही है, और अगर बाय लिखा है तो डेल्टा पी या डेल्टा क्यू की बात हो रही है। सबसे पहले तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है? और हम Q1 माइनस Q0 को करके ही तो डेल्टा निकालते हैं, डेल्टा क्यू, ठीक है? तो डेल्टा क्यू निकालने का क्या तरीका होता है? डेल्टा निकालने का तरीका यही होता है कि हम न्यू में से ओल्ड को माइनस करते हैं। तो अगर आपको ये चीज में थोड़ी सी रिवर्स कर दो, ये चीज में थोड़ी सी रिवर्स कर दूं कि मेरे को क्यू 0 दे रखा है, क्यू दे रखा है, ठीक है? तो मैं इसको यहां पे जाके Q1 निकाल सकती हूँ कि नहीं निकाल सकती? ये निकालना था 720। ये समझ में आया? एक तो आपको ये चीज भी याद रखनी है बाय एंड टू की, सबसे पहले तो ये याद रखना, ये थर्ड है। ये भी अगर नहीं समझे तो दिक्कत में आ जाओगे। तीसरी चीज, आपको ये डेल्टा क्यू और इनका रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है? इतना समझ में आया? ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 था कि जब प्राइस फॉल्स बाय 25% है, मतलब डेल्टा पी परसेंट 25 है, तो क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 120 यूनिट्स है, ठीक है? वो ईडी मांग रहे हैं आपसे, ईडी निकालने के लिए या तो आप इसको परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट कर लो, या आप इसको जो है डेल्टा क्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। डेल्टा क्यू को निकालने का तरीका ये रहा, Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 इंटू 100। Q1 माइनस Q0 आपको दे रखा है 720 माइनस 600, या फिर Q1 Q0 क्या होता है? डेल्टा पी होता है, डेल्टा क्यू Q1 माइनस Q0 होता है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 120 डाल सकते हो। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये यूनिट्स में गिवन है, हमें इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो 120 अपॉन 600 इंटू 100, 20%, ठीक है? तो डेल्टा क्यू परसेंट आ गया 20%, डेल्टा पी दे रखा है 25%, 5 4 दा 5 5 दा 0.8। देखो कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो, ये क्वेश्चन पूरा देखो। हमारा अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 16। क्या
calculate the price elasticity of the demand of the commodity when its price increased by 25%. And quantity falls from 150 to 120 units. Quantity जो है 120 हो गई है. Q percentage निकाल सकते हो? ये formula करना. ठीक है? उससे ED निकाल लेना फिर. Homework है ये question. Example 17 पे आ गई हूँ मैं. ऐसा ना जब पेपर में करने लगोगे ना स्कूल में एग्जाम करने लगोगे तो अपने चार फॉर्मूले लिख लेना क्वेश्चन पेपर पे या आंसर शीट पे कहीं पे भी ना रफ वर्क में ये चार फॉर्मूले लिख लोगे ना तो फटाफट क्वेश्चन निपटेंगे. नाउ क्वेश्चन 17. द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज रुपीज 15. प्राइस भाई तभी मैं कह रही हूँ प्रैक्टिस करोगे ना तो ही समझ में आएगा. सबसे पहले तो आपको ये समझना मुझे दिया क्या क्या हुआ है. मुझे परसेंटेज ज्यादा दी हुई है या मुझे नंबर ज्यादा दिए हुए हैं. ठीक है? और जनरली आपको हाँ जनरली आपको एक भी परसेंटेज दे दिया ना तो मतलब वो क्वेश्चन आपको परसेंट में ही कन्वर्ट करके करना है. इन क्वेश्चन के अंदर देखो कोई ना कोई डिजिट इनकी परसेंट में आ रही है. पूरे क्वेश्चन में सब कुछ नंबर में दे देंगे कोई एक चीज परसेंट में दे देंगे और फिर हमें उस परसेंट के हिसाब से चलना पड़ता है. ठीक है? मतलब हम उसे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं बट ऐसे क्वेश्चंस को परसेंट में करना ही ज्यादा बेटर रहता है अगर परसेंटेज दे रखी है तो. आइडेंटिफिकेशन का यही तरीका है क्या क्वेश्चन में कोई परसेंटेज है बस. ठीक है? तो प्राइस जो है वो 15 है और क्वांटिटी डिमांड जो है वो 500 यूनिट है. 500 यूनिट्स है. इट्स क्वांटिटी डिमांड राइजेस बाय 80 यूनिट्स. इसकी जो क्वांटिटी है वो 80 यूनिट से बढ़ गई. ठीक है? एज अ रिजल्ट उसकी जो प्राइस है वो 20% से गिर गए. ठीक है? 20% से ये परसेंट में गया हुआ है. ये यूनिट्स पे नंबर्स में है सिर्फ परसेंट नहीं लगाया हुआ मैंने. गिर गए. ठीक है? तो उसका आपको ईडी निकालना है. तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो. ठीक है? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इनटू 100 वाला क्यू परसेंटेज निकालने के लिए. डेल्टा क्यू परसेंट निकालने के लिए क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100. ठीक है ना? ये डाल के अपना निकाल लेना. उससे आपका पहले डेल्टा क्यू परसेंट आ जाएगा 80 अपॉन 500 इनटू 100. 3% आ गया ये. ठीक है? तो 16% बाय 20% 4 4 दा 4 5 दा. एग्जाम्पल 17 बी होमवर्क है. एग्जाम्पल 18 मिटा दूं. व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज रुपीज 20. And price is rupees 20. Quantity demanded is, its quantity demanded is 800. When the price rises by 5 per unit, by का मतलब है delta. 5 रुपए से बढ़ गई. Percentage नहीं दिया हुआ, 5 रुपए दिया हुआ है. ठीक है? उसकी demand जो है, वो कितने से गिर गई? 20%. यहाँ पे किसको कन्वर्ट करना है? इसको कन्वर्ट करना है. ठीक है? ये वाला फॉर्मूला. इसका मतलब ही यही होता है डेल्टा पी.
तो डेल्टा परसेंटेज पी निकालने के लिए डेल्टा पी अपॉन में पी ओरिजिनल पी मतलब पी 0 × 100, तो डेल्टा पी आपको 5 रुपए दे रखा है, ओरिजिनल पी 20 रुपए दे रखा है, 25%, ये 20% है। Q1 - Q0 क्या होता है? डेल्टा क्यू। P1 - P0 क्या होता है? डेल्टा पी। इसलिए डेल्टा पी डायरेक्ट लिख दिया मैंने। कोई भी एक चीज परसेंटेज में दी तो हमें क्वेश्चन भी परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा आइडिया लगे। क्वेश्चन नंबर 19। ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहे? ठीक है। When the price of a good falls from 5 to 3, original price है 5, original price है 3, ठीक है? इसमें 2 लिखा है, इसमें 2 लिखा है, देख लो 2 का वो मतलब क्या होता है? P1। तो क्वेश्चन में 2 लिखा है इसलिए मैंने इसको P1 लिखा। और डिमांड कितने से बढ़ जाती है? डिमांड राइजेस बाय, बाय लिखा है 40%। तो आप इसके थ्रू डेल्टा पी निकाल सकते हो और डेल्टा पी का डेल्टा पी परसेंट निकाल सकते हो और ईडी निकाल सकते हो। फिर आप पहले डेल्टा पी निकालना है, डेल्टा पी आ जाएगा 2, फिर आपको 2 / P0 40% ही आ रही है, ईडी 40/40, यही दे रखा है आंसर। समझ रहे? होमवर्क, ये सारे क्वेश्चन रिपीट नहीं करोगे फंसोगे। अब एक चीज मुझे बताओ अक्षत, अब हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज गिवन। मतलब क्या है कि अगर बेसिक मैं बताती हूं, मुझे बताना अक्षर, अगर एक चीज का प्राइस, एक चॉकलेट का जो प्राइस है वो 10 रुपए है और मैंने टोटल एक्सपेंडिचर करा उस चीज को खरीदने में 100 रुपए का या 200 रुपए का, तो बताओ मैंने कितनी क्वांटिटी खरीदी होगी? अगर 10 रुपए की एक चॉकलेट है, ठीक है, और मैंने 200 रुपए की चॉकलेट ली है, तो मैंने कितनी क्वांटिटी खरीदी होगी? 20। 20 कैसे आता है? टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस करके, ये फॉर्मूला है। तो आपको क्वांटिटी या प्राइस में से कोई एक चीज दे रखी होगी और टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा होगा, ठीक है? अगर आपको प्राइस दे रखा है तो आप इसको नीचे ले जाओगे, मतलब कि जो से चीज निकालनी है वो नीचे चली जाएगी, ठीक है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैंने 20 यूनिट खरीदे, ठीक है, अगर मैं 20 चॉकलेट खरीदी, ठीक है, 200, अगर मैंने 200 रुपए खर्च करे और मेरे को 20 चॉकलेट मिल गई, तो बताओ एक चॉकलेट कितने की थी? तो आंसर क्या आएगा? अगर 200 रुपए खर्च करके मेरे को 20 चॉकलेट मिल रही है, 200 रुपए में 20 चॉकलेट, 10 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो अगर प्राइस निकालना है तो क्वांटिटी को डिवाइड कर दोगे, क्वांटिटी निकालनी है तो प्राइस को डिवाइड कर दोगे। ये बात समझ में आई? क्लियर है? अब हम इस बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी आपसे, आपको दे रखा है प्राइस जब 5 रुपए है तो टोटल एक्सपेंडिचर, एग्जाम्पल 20 है ये संदीप गर्ग का,
टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 500, ठीक है। 6 रुपए हुआ एक्सपेंडिचर 420 हो गया। तो बताओ क्वांटिटी क्या होगी सबसे पहले? तो जब अगर ये समझ में आया, तुम्हारे पास P आ गया, हमारे पास Q आ गया, ठीक है। ये P0 है, P1 है, ये Q0 है और ये Q1 है, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं ED निकालो, निकाल लोगे? कर लोगे? आपको अभी इतना ही क्वेश्चन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो आपका होमवर्क है 20 एग्जाम्पल तक को रिपीट मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं 17, अभी जो नेक्स्ट जो भी आपकी क्लास है मेरे साथ, उस दिन मैं खत्म करवा दूंगी ये चैप्टर पूरा। इस वीक में ये चैप्टर पूरा खत्म होएगा, चाहे मैं एक्स्ट्रा क्लास लूँ चाहे कुछ भी करूँ, इस वीक के अंदर हमें ये चैप्टर खत्म करके मूव ऑन करना है। और मैं काफी क्वेश्चंस दूंगी और इसका एक मैं मिनी टेस्ट भी लूंगी आपका, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।